बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं बना रही हूँ रचन सैलेड, वो भी मेरे स्टाइल में। इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ता बॉयल कर लेंगे। एक पतीली लेंगे, इसमें एक जग पानी डाल देंगे। इसको ढक कर रख देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ चुका है। इसमें 2 चम्मच घी और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। ये सैलेड बहुत मज़े का होता है क्योंकि इसमें सब्जियां होती हैं। अब इसमें पास्ता डाल देते हैं ताकि पानी खुश हो जाए। अब पास्ते को 15 मिनट तक पकाएंगे। जब तक हमारा पास्ता पक रहा है, इतना हम सब्जियों को धोकर कट कर लेते हैं। 2 गाजर लेंगे, उसे बारीक बारीक काट लेंगे जैसे मैं काट रही हूँ। सब्जियों के बहुत से फायदे होते हैं, जैसे गाजर का जूस खून बनाने में मदद करता है। ये गाजर मैंने कट कर ली है, अब मैं बंद गोभी को काट लूँगी। बंद गोभी आपने ऐसे काटनी है जैसे मैं काट रही हूँ। मैंने गाजर और बंद गोभी काट ली है। अब चलते हैं किचन में। ये देखें पास्ता तैयार हो चुका है। अब पास्ते को छान लेंगे और इसको अच्छे से धो लेंगे। अगर आपके पास किसी और शेप में मैक्रोनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास यही थी, मैंने यही ले ली। अब एक पतीला लेंगे, उसमें गाजर डालेंगे, फिर गोभी डालेंगे। अब इसमें मैक्रोनी जाएगी। अब इसमें 2 क्रीम के डब्बे डाल देंगे। मैंने मिल्क पैक के लिए, आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च की डाल देंगे और 1 चम्मच नमक की डाल देंगे। अब इसमें 1 कप शुगर पाउडर डाल देंगे, 1 पैकेट मायोनीज डाल देंगे, 1 डब्बा कोकटल का डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें सैलेड हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे डिश आउट करेंगे और थोड़ा सा पाइनएप्पल गार्निश कर देंगे। वाह, हमारा मज़ेदार सैलेड तैयार है। अब इसे मैं टेस्ट करवाऊंगी। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। यम्मी। मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये झटपट बन जाती है, इसे बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। अपने लिए बनाएं, अपने मेहमानों के लिए बनाएं, आपके घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। मज़े की लगती है। खुद भी बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कैसी बनी है। अच्छा जी, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.